हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने परिवार फार्मर्स लॉ में एक नई क्लास के साथ, जो कि बायोकेमिस्ट्री की अपनी क्लास है बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेम फर्स्ट के लिए। तो बात करें, आज बायोकेमिस्ट्री अपनी फर्स्ट क्लास है। इससे पहले मैंने सिलेबस एनालिसिस करवा दिया है। जिन भाइयों ने अभी तक सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है कि बायोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या क्या है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, सबसे पहले जाके आपका सिलेबस देख के आओ। आपके वहाँ पे 24 लेक्चर हैं, 24 के 24 लेक्चर मैंने एनालिसिस किए हैं, कौन कौन से आपके टॉपिक हैं, कितना पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, पास होने के लिए क्या पढ़ना है, और आपका सब्जेक्ट कोड क्या है, सब्जेक्ट टाइटल क्या है, वो सारी चीज़ हमने बात कर ली है। और प्रीवियस ईयर का पेपर भी मैंने सॉल्व आउट करवा दिया, उसका लिंक भी मैं नीचे दूंगा, तो चेकआउट करना। आज अपना फर्स्ट क्लास है बायोकेमिस्ट्री, जिसका सब्जेक्ट जो आपका कोड है बायोकेम BIOCHEM111 है, फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड प्लांट जो बायोटेक्नोलॉजी है, वो आपके सब्जेक्ट टाइटल है। और टॉपिक आपके टोटल 24 है। तो फर्स्ट टॉपिक आज जो सिलेबस में आपके फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, फर्स्ट टॉपिक वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, कि बायोकेमिस्ट्री है क्या, इसके इंपॉर्टेंस महत्व क्या क्या, इसका स्कोप क्या क्या है। सेकंड इसी में दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जल के क्या क्या गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के बारे में। थर्ड दिया हुआ है पीएच एंड बफर विलयन, पीएच एंड बफर सॉल्यूशन जो है उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये जो तीन जो चीज दी हुई है, छोटी छोटी तीनों डेफिनेशन वगैरह, इनके बारे में समझना, वो एक ही लेक्चर में दिया हुआ है। एक ही लेक्चर की क्लास में तीनों चीज अपने को कवर करनी है अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस के। आप कहीं से भी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेम में हो, आपके बायोकेमिस्ट्री है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें तीन चीज दी हुई है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पीएच एंड बफर सॉल्यूशन। तो ये तीनों चीज क्लियर करवाने वाला हूँ बिल्कुल शॉर्ट और बिल्कुल ही मतलब एक अलग वे में, आपको यहीं पर याद करवाते हैं, क्लियर करवाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री होता क्या है, ठीक है। तो शब्द को अगर खोलते हैं अपन, देखो किसी भी चीज़ के बारे में सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस हमने पता कर लिया है। अब इसमें पहला शब्द आ रहा है बायोकेमिस्ट्री, कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, है क्या बायोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री शब्द के बारे में देखते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस केमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, बायो प्लस केमिस्ट्री, इसको तोड़ देते हैं यहां से, तो सीधा सीधा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और दोनों शब्द ग्रीक लैंग्वेज के हैं। किसके हैं, ग्रीक। बायोकेमिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस केमिस्ट्री, जो कि ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। बायो का मतलब सबको पता है, अब ये मैं कहीं से देख के नहीं, नॉर्मली अगर बात करें 10th 12th तक पढ़ के आप आए हो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया है, तो बायो का सबको पता है। बायो का मतलब क्या होता है, आप जीव बोल सकते हो या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं लिविंग, ठीक है। ये सब बायो के ही अर्थ निकलते हैं कि बायो को अपन क्या कहते हैं। केमिस्ट्री का सबको पता है ही, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र बोल सकते हो या रसायन बोल सकते हो, रसायन से संबंधित, केमिकल से संबंधित जो भी अभिक्रियाएं होती हैं उनका अपन स्टडीज करते हैं, वो किस में करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। केमिस्ट्री भी जो है ना, CHEMISTRY, ये भी एक कीमोस शब्द से बना हुआ है, कीमोस, किससे, कीमोस। अब कीमोस का अर्थ क्या होता है पता है, जैसे बात करें शॉर्ट वे में, अगर आपको बताऊं मैं सीधी भाषा में बात करें, तो कीमोस को अपन क्या कह सकते हैं, द्रव्य, लिक्विड। किसी जीव के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है ना, कोई भी जीव है उसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कीमोस बोलते हैं। कीमोस का अर्थ निकलता ही है, किसी जीव में पाए जाने वाले द्रव्य या अपन बोले लिक्विड पदार्थ। कोई जीव है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, आपका कोई सेल है, उसके अंदर जो जीवित द्रव्य पाया जा रहा है, जो लिक्विड पाया जा रहा है, उसको कीमोस बोलते हैं। और उस कीमोस सबसे बड़ा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है, रसायन शास्त्र। और केमिस्ट्री प्लस बायो, जीव, ये दोनों मिलकर बना है बायोकेमिस्ट्री। तो आई होप इतना समझाते ही आपको बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, फिर भी मैं बताता हूँ बायोकेमिस्ट्री। ये शब्द की बात हुई है कि जो बायोकेमिस्ट्री शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस केमिस्ट्री। बायो का मतलब होता है जीव, लिविंग, ठीक है, और केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायनों के बारे में जानकारी करना। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, कि कोई भी जीव है, ठीक है, जीवित जीव है, उसके शरीर में होने वाली जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं या जितने भी रासायनिक यौगिक हैं, रासायनिक बदलाव है, ऊर्जा है, ऊर्जा जो एनर्जी बनती है वो भी एक रासायनिक ही रूप होता है, कुछ ना कुछ उसमें मैकेनिज्म होती है, केमिकल मैकेनिज्म होती है, तभी तो एनर्जी का निर्माण होता है, ऐसे तो एनर्जी बनेगी नहीं। आप खाना खा रहे हो, ठीक है, अंदर पाचन हो रहा है, डाइजेस्ट वगैरह सिस्टम जो सारा कुछ आपके चल रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं एंजाइम्स आते हैं, कहीं ना कहीं अम्ल और क्षार आते हैं, कहीं ना कहीं आपके उसमें केमिकल आते हैं, उसको केमिस्ट्री से जोड़ के एक जीव के शरीर में जो भी अभिक्रियाएं हो रही है, जो भी मैकेनिज्म हो रही है, जो भी क्रियाएं हो रही है ना किसी भी चीज़ की, आप सुन रहे हो कान से, देख रहे हो आँख से, ठीक है, हाथ को ऊपर नीचे कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक सजीव के शरीर में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं
उनको केमिकल वे के अंदर जोड़ के उनको रसायन शास्त्र की दृष्टि से पढ़ते हैं तो उसको बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो ये तो मैं आपको शब्द के हिसाब से बताया हूँ, वो डेफिनेशन हो गई। बात करें इसकी, क्या द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए लिविंग थिंग। केमिकल स्ट्रक्चर किसी भी लिविंग थिंग मतलब सजीव चीज की जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसकी जो रसायन संरचना है उसके बारे में जानना ही क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। उसके बारे में जानना ही क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री। द सबसे शॉर्ट है इंग्लिश में, आप लिख लो कि द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए लिविंग थिंग एज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अब बात करें हिंदी के अंदर अगर इसकी, तो जीवों में उपस्थित रसायनों व उनमें होने वाले परिवर्तनों, हिंदी के ज़्यादा स्टूडेंट है तो हिंदी की मैं सही से लिखवा देता हूँ, ठीक है। जीवों में होने वाले, आप लिखो जीवों में उपस्थित रसायनों व, सही तो आ रहा है ना, हाँ ठीक है सही आ रहा है लगभग, जीवों में उपस्थित रसायनों व उनमें होने वाले परिवर्तनों व प्रक्रियाओं तथा प्रक्रियाओं से ऊर्जा परिवर्तन के अध्ययन को। कोई जीव है, सीधा सा मैं आपको समझा देता हूँ, इसके अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, और इन परिवर्तनों के बाद में उसमें क्या क्या चीज़ें बदली है वो, और ऊर्जा बनी है या घटी है या इनके लिए ऊर्जा लगी है, ऊर्जा का निर्माण हुआ है, वो सारी चीज़ें इसको केमिकल से जोड़ के रसायन से। अब रसायन से कैसे जोड़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपके पाचन हुआ, आप देख रहे हो आँख के अंदर जो द्रव है गीला गीला रहता है, पानी रहता है, ये कौन सा अम्ल है, क्षारीय है, एंजाइम है, क्या है, इनका जो केमिकल रिएक्शन है कहाँ से बना है, इसका संगठन क्या है, वो सारी चीज़ें इनको जोड़ के देख के पढ़ते हैं ना। शरीर की बायोकेमिस्ट्री शब्द से बता रहा है, बायो और केमिस्ट्री, जीव को रसायन, तो इन दोनों के बीच का जो संबंध का अध्ययन करते हैं, इनके स्ट्रक्चर जो है उसका वो बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। तो ये तो बात हो गई अपनी बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन की। बात करें बायोकेमिस्ट्री के फादर की, कि बायोकेमिस्ट्री का फादर कौन था, तो आपने नाम सुना होगा वैज्ञानिक का, कार्ल न्यूबर्ग। सबको दिख रहा होगा 1903 जो बायोकेमिस्ट्री वर्ड है वो, और बायोकेमिस्ट्री की जो टर्म्स है वो किसने दी थी, कार्ल न्यूबर्ग ने दी थी। और फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री भी कार्ल न्यूबर्ग को ही बोलते हैं, फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कार्ल न्यूबर्ग 1903, ठीक है 1903, ये याद रखना, इनको मिटा देता हूँ मैं। तो हमने क्या क्या बात की अभी, इंपॉर्टेंस अब देखना है, मैंने सिर्फ शब्द समझाया कि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री सब याद रखोगे, कार्ल न्यूबर्ग 1903 बायोकेमिस्ट्री। ये थोड़ा सा अपना बोर्ड ऐसे ही है, मिटने में दिक्कत होती है। तो बायोकेमिस्ट्री शब्द का मैंने बता दिया कि जीवों का और जीवों में होने वाली सभी प्रक्रियाओं का या अभिक्रियाओं का केमिकल वे में, ठीक है, रसायनों से जोड़ के उनका जो अध्ययन किया जाता है उसको बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। और दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस केमिस्ट्री, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द हैं। बायो का मतलब जीव होता है, केमिस्ट्री का मतलब आप सबको पता है रसायन शास्त्र होता है। कार्ल न्यूबर्ग फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कहलाता है, जो कि 1903 में इसने शब्द और टर्म्स दी थी। अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस, बायोकेमिस्ट्री के महत्व क्या क्या हैं। तो बायोकेमिस्ट्री को जो इम्पोर्टेंस दे रखे हैं, अब एक चीज़ मैं बताऊँ सीधी सी, बायोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस भी आ जाएंगे आपके और बायोकेमिस्ट्री का पूरा सिलेबस भी आ जाएगा, जिस भाई ने देखा है ना उसको तो समझ में आ जाएगा। सपोज दैट ये कोई जीव है, मैंने माना ये अमीबा है, ठीक है, सरल सा जीव लेते हैं, सबसे एकल कोशिकीय जीव ले लिया या सबसे सरल जीव है जिसका संगठन अमीबा मैंने ले लिया, ये अमीबा है। अब मैंने बताया कि एक जीव में होने वाली प्रक्रियाएं या जो भी अभिक्रियाएं हैं उसका केमिकल वे में देखेंगे, उसी को बायोकेमिस्ट्री बोलेंगे। अब इम्पोर्टेंस अपन देख रहे हैं तो, और पढ़ेंगे क्या क्या बायोकेमिस्ट्री, वो चीज़ भी आगे आएंगे बायोकेमिस्ट्री के प्रयोग, तो वो सारे कुछ यहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो ये एक अमीबा है, इसने यहाँ से भोजन ग्रहण किया, अब ये इस भोजन को अंदर पचाएगा, तो इसमें पचाने के लिए इसको क्या क्या चाहिए, क्या क्या निर्माण हुआ, एंजाइम्स हो गए, ठीक है, पचाया तो इसको भोजन में क्या मिली, वसा मिली, कार्बोहाइड्रेट्स मिली, प्रोटीन मिली, लिपिड मिली, ये इसको खाने के लिए मिल गया। इसके कायिक शरीर का हमने देखा किस प्रोटीन से बना हुआ है, कौन सी काइटीन है, झिल्ली है, सारा कुछ देख लिया। उसके बाद में इसके पाचन में एंजाइम्स हमने देख लिए, ठीक है, इसका डीएनए, इसका अनुवांशिकी अगर देखते हैं जेनेटिक्स, तो इसमें न्यूक्लिक अम्ल वगैरह हैं, न्यूक्लिक अम्ल। और बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस क्या है आपके, यही है,
वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, ये सारा। अब ये एक जीव था, अगर इसको अपन बायोलॉजी में पढ़ते तो अपन दूसरे वे में पढ़ते, उसकी छोटी आंत, बड़ी आंत, पाचन सिस्टम कौन सा हो रहा है, नर्वस तंत्र कौन सा है, इसको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, केमिकल से रिलेट करके पढ़ रहे हैं, तो केमिकल देख रहे हैं कि पाचन में कौन सा केमिकल काम में आ रहा है, ठीक है, एनर्जी सोर्सेज है उनमें कौन सा आ रहा है, तो उसको केमिकल वे में देखा। जीन पढ़ रहे थे, वहां पर अपन क्या पढ़ रहे थे बायोलॉजी में, जीन, यहाँ पे पढ़ेंगे जीन के अंदर जो अम्ल है, डीएनए है, किससे बना, न्यूक्लिक अम्ल है, आरएनए है, ठीक है, वो सारी चीजें इसी में आएगी, जीन गन मेथड हो गया, ये बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस में जिस भाई ने देखा है ना उसको तो पता है। तो मेन जो मेरा ये बताने का आया वो यही है कि बायोकेमिस्ट्री में एक जीव की जितनी भी जो प्रक्रियाएं हैं, लाइफ साइकिल स्टार्ट से लेकर एंड तक की जो मेन मेन चीजें हैं उनको केमिकल वे में देखेंगे अपन, रसायनों के साथ जोड़ के उनका अध्ययन करते हैं, उसी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो ये मैंने बता दिया, यही आपका सिलेबस है, यही आपका सिलेबस। आगे वसा के हैं दो टॉपिक, तो कार्बोहाइड्रेट्स के हैं तीन टॉपिक, प्रोटीन के दो, लिपिड के दो, एंजाइम्स के चार टॉपिक हैं, जिनमें क्या क्या है, एंजाइम शब्द किसने दिया, कोहेने ने दिया, किस सिद्धांत पे, किस टर्म पे ये कार्य करते हैं, ताला चाबी सिद्धांत है, लॉक एंड की सिस्टम, वो सारा बात करेंगे। यह मैंने बता दिया, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में दिया हुआ है, डीएनए के बारे में, जीन गन मेथड वगैरह आपके दिए हुए हैं, बात कर रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो सिलेबस को रिलेट करके थोड़ा पढ़ा करो इसके, जैसे बीमारियों का पता लगाने में, बीमारियों का पता लगाने में कैसे वो मैं बताऊंगा, जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया, पोलियो का हो गया, डेंगू का हो गया, ठीक है, और मलेरिया का हो गया, ये टेस्ट वगैरह से पता चल रहा है। कुपोषण को पता लगाने के लिए, कुपोषण को दूर करने के लिए मानव आहार का, मानव व पशु आहार, मानव आहार और पशु आहार को संतुलित मात्रा में दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, उसकी प्रवृत्ति के बारे में, खाद्य पदार्थों के संगठन के बारे में। अब कोई जीव हो वो बीमार हो गया, ठीक है, आप हो, आपके ऊपर लेते हैं सीधा सीधा, या मैं हूँ, मैं बीमार हो गया, ठीक है, तो इस बीमारी का पता कैसे लगेगा, दवाई जो देते हैं एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं वो देते तो हैं पर उनको पता रहता है कि इस चीज़ की दिक्कत है तो उसी चीज़ की देते हैं, कैसे देते हैं, तो उनका क्या पता रहेगा, टेस्ट वगैरह करते हैं, जो भी मशीनें हैं बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत ही आती है सारी, जो टेस्ट वगैरह कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो ये कैसे पता लग रहा है उस बीमारी का, उसको केमिकल वे में देख रहे हैं वो, जैसे मेरी आँख में कोई दिक्कत हो गई सपोज डेट, ठीक है, तो वो आँख का जो सारा देखेंगे इसका स्ट्रक्चर उसमें कि आँख में क्या क्या चीज़ें पा रही है, कौन कौन से केमिकल है, क्या है, उन वहाँ से सैंपल वगैरह लेते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, कौन सी चीज़ में कमी आ रही है, कौन सी में ज़्यादा आ रही है, उसी हिसाब से मेडिसिन देंगे। ब्लड टेस्ट कर रहे हैं आपका, तो ब्लड के भी वही चीज़ें देखेंगे, वो केमिकल वे में एक रसायन शास्त्र के रूप में उसका अध्ययन करेंगे, जो चीज़ की कमी है, जो कम ज़्यादा है वो पता लगाएंगे और उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो बीमारी ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी आपके। कुपोषण हो गया, आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी हो रही है, एंजाइम्स हैं, बन नहीं रहे हैं, ज़्यादा बन रहे हैं, कम बन रहे हैं, उस चीज़ के बारे में करेंगे। मानव आहार है, आपको कितनी कैलोरी चाहिए, ठीक है, कौन सा एंजाइम ले रहे हो, कौन सा प्रोटीन खा रहे हो, वो चीज़ हो गई। खाद्य पदार्थों के संगठन के बारे में पता लगाते हैं, इसके बारे में कौन से खाद्य पदार्थ से खाएंगे तो अम्लीय रहेगा, क्षारीय रहेगा, पेट कैसा रहेगा, वो सारी चीज़। तो ये बायोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस है। ये पता नहीं मार्कर ख़राब है या बोर्ड थोड़ा मिटाने में दिक्कत आ रही है, बाकी मैंने बायोकेमिस्ट्री की पहले भी एक क्लास रिकॉर्ड की थी, तब अपने पास बोर्ड वगैरह ठीक नहीं था, तो अभी भी ठीक तो नहीं है पर इससे भी ख़राब था, तो उतनी खास नहीं कर पाए थे रिकॉर्ड। कुपोषण को सुधारने में मानव आहार या पशु आहार के निर्धारण में, खाद्य पदार्थों के अध्ययन में, एंजाइमों के उत्प्रेरकों के गुण पता लगाने के लिए, कोशिका व उत्तकों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं की जांचों में, कोई कोशिका कोई उत्तक है, ठीक है, कोई सेल और टिश्यू, सेल्स मिलकर टिश्यू का निर्माण करती है, उसके अंदर जो होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं उनका पता लगाएंगे कि उस अभिक्रिया में कहाँ पर कमी आ रही है या कौन सी चीज़ ज़्यादा कम ज़्यादा हो रही है, अनबैलेंस हो रही है, उसकी वजह से शरीर में आपके शरीर में कोई अभिक्रिया हो रही है, अगर वो अनबैलेंस हो गई किसी भी चीज़ की ले लो, पाचन की, श्वसन की, रक्त की, किसी भी चीज़ की, वो अनबैलेंस होगी तो आपको अच्छा फील नहीं होगा, आपको बुरा फील होगा, बीमार होंगे, मतलब कुछ ना कुछ त्रुटि आएगी शरीर में, तो उसका पता लगाएंगे कहाँ पे ये अनबैलेंस हो रही है, फिर उसको बैलेंस करने के लिए अपन उसी हिसाब से उसको भोजन या मेडिसिन वगैरह देंगे तो ठीक हो जाएगा। वो इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री में आता है, वही जीव और वही केमिकल आ रहे हैं, ठीक है, तो ये शब्द याद रखना, बाकी एक लेक्चर की क्लास से ज़्यादा बड़ा नहीं करना, एक लेक्चर में तीनों चीज़ पढ़नी है। सीधी सीधी बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, अब मेरे को बता तो देना आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इंग्लिश की, मैथ की, फॉरेस्ट्री की क्लासें कल से कंटिन्यूस है, तीन क्लास दूंगा मैं, एक मॉर्निंग में, एक दोपहर को, एक इवनिंग में, फॉरेस्ट्री की भी, मैथ की भी और इंग्लिश की भी,
ये तो चली रही है बायोकेमिस्ट्री, एग्रोनॉमी को भी थोड़ा रोका है, बाकी एग्रोनॉमी की भी करवाते रहेंगे। हॉर्टिकल्चर कंप्लीट कर लिया है और सोइल साइंस का कुछ पार्ट हमने कर चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जल का सामान्य जो सूत्र होता है वो क्या होता है, H2O। दो आयन जो इसमें है वो हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन का है। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। जल का सामान्य सूत्र हो गया, इसको क्या क्या बोलते हैं, नीर, पे, तोय, ये इसके पर्यायवाची शब्द हो गए। इंग्लिश में बात करें वाटर, वाटर इसको बोलेंगे इंग्लिश में बात करें तो, जल के। अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की, जल के क्या क्या गुण होते हैं, प्रॉपर्टी जो है इसकी वो क्या क्या है, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो सबको पता है कि एलकेजी से सुनते आ रहे हो, जली जीवन है, ठीक है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो जीवन है ना सबके, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो जो सबका जीवन ही पानी है वैसे बात करें तो, इसमें सीधा क्वेश्चन आएगा अगर दो नंबर या तीन नंबर में आता है ये, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर लिखी है तो उसमें लिखना है सामान्य सूत्र, सबसे पहले H2O, दो हाइड्रोजन व एक ऑक्सीजन से मिलकर जल का निर्माण होता है। जल का सामान्य नाम आप लिख दोगे, वाटर भी इसको बोलते हैं, नीर, पे, तो जो भी आपको आते हैं पर्यायवाची लिख देना। उसके बाद में लिखना है जल जीवन का आधार है, जल जीवन का आधार है, जल ही जीवन है या जल जीवन का आधार है। पानी सभी जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण विलायक है, पानी जो है वो सभी जीवों के लिए, ऑल ओवर जितने भी लिविंग जो हैं उनके लिए महत्वपूर्ण विलायक है, विलायक है। और जल को अपन क्या बोलते हैं, सर्वोपरि विलायक भी बोलते हैं, सर्वोपरि विलायक, जल को एकमात्र सर्वोपरि विलायक भी बोलते हैं। अब विलायक क्या होता है वो चीज में बताऊंगा। आपने एक नाम सुना होगा विलयन या कोई घोल, विलयन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जिसको होते हैं, तो सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, विलय प्लस विलायक, ये दोनों मिलकर ही तो विलयन बनाते हैं, विलायक। और मैंने बताया कि जल क्या है, सार्वभौमिक विलायक है और जीवों के लिए सबसे तगड़ा विलायक है, मतलब हर कोई चीज इसमें घुल जाती है। तो विलयन जो होता है सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन जो है आपके आगे बायोकेमिस्ट्री में काम में आएगा और सब्जेक्ट में भी आपके काम में आ रहा होगा बहुत जगह कि सॉल्यूशन क्या होता है, जो सॉल्यूशन है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ठीक है, विलय और विलायक। जल क्या है, विलायक है, इस चीज में कंफ्यूजन मत हो ना, विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है, विलयन दो चीजों से मिला, विलय प्लस विलायक, जो तीन शब्द जिसमें है ना, विलय तीन अक्षर है और विलायक में चार अक्षर है, मतलब विलायक तो ज्यादा है और विलय कम है। तो जिसको घोला जाता है, जैसे कोई कटोरी है, ये इतनी बड़ी कटोरी है, इसमें जो पानी भरा है वो ज्यादा है तो वो तो चार अक्षर वाला हो गया ज्यादा, वो हो गया विलायक। और इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी घोली है, चीनी कम है, विलय, तीन अक्षर वाली है, विलय, मतलब जो चीज कम होती है ना वो विलय कहलाती है, जिसको घोला जाता है, और जिसमें घोला जाता है वो विलायक कहलाता है, और दोनों घुलने के बाद में जो तैयार होता है उसको विलयन या सॉल्यूशन बोला जाता है। तो ये चीजें आगे भी ध्यान रखना। तो जल क्या है, एक प्रबल विलायक है, प्रबल विलायक है जो सबको अपने अंदर घोल देता है, जल के अंदर थोड़ी किसी को घोलते हैं, जल के अंदर, जल क्या है, प्रबल विलायक है, ठीक है। अंधेरा हो रहा है, लाइट आ नहीं रही, तो मैं जल्दी से क्लास को करवाने की कोशिश करता हूँ, फिर टॉपिक अधूरा रह जाएगा, दिन में मैं क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्लास की यही दिक्कत चल रही है अभी जहाँ पे रह रहे हैं, अब इतना बोर्ड वगैरह लगाया, मेहनत की मैंने, बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से तीन दिन हो गए लाइट नहीं आ रही है, ठीक है, मतलब ऐसे ही होता है, तो दिन में कॉलेज वगैरह चले जाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता, तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जितना मिल रहा है वैसे। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में बात कर रहे थे, इसका सामान्य सूत्र मैंने बता दिया, विलयन के बारे में मैंने बताया, जल सर्वोपरि विलायक है, पृथ्वी की सतह पर बहुत आयतित रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या लिखना है इसके गुणों में, पृथ्वी की सतह पर बहुत आयात मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ग्लेशियरों के अंदर। अब वो जरूरी नहीं पीने योग्य यो पूरा जल, बहुत ज्यादा मात्रा में है जल, ग्लेशियरों पे बहुत है, बर्फ है, समुद्रों में है, हो सकता है वो पीने योग्य नहीं है, मतलब कोई छारी है, लवणीय है, खारा है, जो भी है वो है, पर पृथ्वी पर बहुत आयात मात्रा में पाया जाता है। ये जल की प्रॉपर्टीज हैं, लिखते रहे आप, सर्वोपरि विलायक है, पृथ्वी की सतह में बहुत आयात रूप में पाया जाता है, समुद्र ग्लेशियर वगैरह में। सामान्य अवस्था व सामान्य तापमान पर रंगहीन होता है, सबसे मेन अब बताता हूँ मैं, सामान्य अवस्था और सामान्य ताप पे क्या होता है, रंगहीन, कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, और क्या होता है, स्वादहीन, टेस्ट भी नहीं होता इसमें, और क्या होता है, गंधहीन, स्मेल भी नहीं आती,
ये सबको पता है, एलकेजी से पढ़ते आ रहे हो। जल जो है सामान्य अवस्था और सामान्य ताप पर रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन अवस्था में पाया जाता है, इसमें ये नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें, जल तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। अब गंधहीन, देखो जो स्वस्थ जल है ना वो गंधहीन ही पाया जाएगा, ठीक है। अब ऐसे तो आप गुलाब जल ले आओगे, उसमें तो खुशबू आएगी, या फिर जो पीने का आता है कोई सा भी पेय पदार्थ या जल है उसमें चीनी डालोगे तो उसमें स्वाद आ जाएगा, ठीक है। उसमें रसना डाल दोगे तो लाल कलर आ जाएगा, वो बात नहीं हुई। पर ये सामान्य अवस्था में, मैंने लाइन बोला उसको सुनना, सामान्य अवस्था और सामान्य तापमान पे जल हमेशा कलरलेस, ठीक है, स्वाद उसमें नहीं पाया जाता, स्वादहीन होता है वो, टेस्टलेस और गंधहीन, स्मेललेस, गंधहीन, गंध भी नहीं आती है। जल के जो सामान्य गुण है ये, आगे बताऊं तो जल है ना तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है पृथ्वी पर, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस, सॉलिड के रूप में क्या पाया जाता है, बर्फ या ग्लेशियर जो है। फिर बात करें द्रव, लिक्विड, लिक्विड के रूप में अपने जो पानी नॉर्मल है। फिर बात करें गैस, तो जो भाप वगैरह ज्यादा गर्म हो जाता है ना जब समुद्रों में झरनों में जल, तो भाप के रूप में उड़ने लगता है। या अपन गैस पे गर्म करते हैं तो देखा होगा भाप के रूप में उड़ने लगता है जल, तो गैस के रूप में भी ये पाया जाता है, भाप वगैरह के रूप में। तो जल एक ऐसी चीज है, ये उसके प्रॉपर्टीज में लिखना है कि जल सामान्य तापमान पर रंगीन, स्वादहीन, गंधहीन पाया जाता है तथा पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में उपस्थित है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में उदाहरण लिख देना बर्फ, ग्लेशियर वगैरह, द्रव में लिख देना नॉर्मल पानी, झरने, नदियां, और गैस के रूप में भाप आप इसमें लिख सकते हो, सॉल्यूशन के रूप में पाया जाता है। शुद्ध जल की विद्युत चालकता कम होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है शुद्ध जल की। क्यों होती है ये लाइन भी लिख लेना इसकी प्रॉपर्टीज में, कि शुद्ध जल की जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी होती है, विद्युत चालकता होती है, वो कम होती है। क्यों होती है वो चीज़ में बताऊं। देखो जल को शुद्ध करेंगे, उसको उबाल लेंगे, जो भी कर लेंगे, तो उसमें जो भी अशुद्धियाँ हैं, अशुद्धियाँ जो है, अशुद्धियों में क्या क्या हो सकता है, कोई भी लवण हो सकता है, कोई भी क्षार हो सकता है, कोई भी आयन हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, उसमें विद्युत चालकता पाई जाती है। शुद्ध जल जो होता है ना उसकी विद्युत चालकता कम होती है या नहीं होती है, ऐसे बोल सकते हैं, पर कम होती है। शुद्ध जल कोई है, ठीक है, उसमें आप करंट का तार छोड़ दिए, उसमें हाथ दे रहे हो ना, उतना खास झटका नहीं लगेगा जितना आपके गंदे पानी में, सामान्य जल में लगता है। क्यों लगता है, अपने गंदे पानी में या सामान्य जल होता है उसमें लवण पाए जाते हैं कुछ मात्रा में, क्षार या आयन उसमें होते हैं, ठीक है। तो उन आयन से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, विद्युत का संचार होने लगता है और उसमें विद्युत चालकता आ जाती है। तो शुद्ध अपन पढ़ क्या रहे, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, तो आपको लिखना है कि शुद्ध जल में विद्युत चालकता कम पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, ये इसके गुण के अंदर आया है। नेक्स्ट बात करते हैं, जल एक प्रबल विलायक है, ये मैंने आपको बता दिया है। और जल व बर्फ का रंग बहुत हल्के नीले रंग का होता है। अगर ज़्यादा अपन इसके बारे में हार्ड स्टडी करें तो बर्फ वगैरह जमा लेते हैं, कभी कभार अपने को हल्के नीले रंग का दिखाई पड़ सकता है। तो दो चीज़ क्लियर हुई, अब बच रहा छोटी सी पीएच और बफर, दो मिनट में बता दूंगा मैं। दो चीज़ क्लियर हो गई ना, बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है, प्लस जल क्या है और जल के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाया जाता है, रंगीन, गंधहीन, स्वादहीन है, पृथ्वी बहुत मात्रा में पाया जाता है और एक सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है, ठीक है, सॉल्वेंट के रूप में जाना जाता है। और क्या बोलते हैं, जल ही जीवन का आधार है, क्या गिर गया, जल ही जीवन का आधार है, पृथ्वी में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। 23 मिनट की हो गई क्लास, बहुत ज्यादा हो गया। पीएच एंड बफर में बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर करते हैं इसका टॉपिक फर्स्ट कंप्लीट। पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसको बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, सीधी भाषा में बात करें तो पीएच की जो खोज की थी वो किसने की थी, सोरेनसन नामक, पीएच सोरेनसन वैज्ञानिक था, कहाँ का था, डेनिस देश का था, डेनिस के सोरेनसन ने की थी, 1909 लिखा हुआ है, ठीक है। पीएच की जो खोज की थी वो किसने की थी, डेनिस के सोरेनसन ने 1909 में की थी, कब की थी, 1909। जल्दी जल्दी, अब एक लेक्चर की क्लास है, पीएच शब्द दिया हुआ है तो पीएच के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, बफर के बारे में थोड़ा सा, जो मेन अपना था वो मैंने बता दिया, बायोकेमिस्ट्री के सारा कुछ इतना जोड़ तोड़ के आपको लैंग्वेज में डेफिनेशन वगैरह इसकी लास्ट में वो डेफिनेशन दूंगा, ठीक है। अभी बात करते हैं पीएच की, पीएच की खोज डेनिस के सोरेनसन ने की, कब की, 1919 में की। और पीएच का अगर शॉर्ट वे में अपन मतलब देखें तो क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मात्रा के बारे में, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। किसी घोल की पीएच उसके एक लीटर उपस्थित ग्राम, उसके एक लीटर उपस्थित ग्राम एच प्लस आयनों के व्युत्क्रम लघु गुणांक में पीएच, घोल की संख्या को क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं। सीधा सीधा इसकी बात करूं पीएच का, आपको सूत्र बताता हूं पहले मैं, पीएच बराबर लॉग 10, ठीक है, क्या दे रखा है सूत्र,
पीएच बराबर लॉग टेन एक बटा एच प्लस आयनों की संख्या, एक प्लस एच प्लस आयनों की संख्या, मतलब एक लीटर कोई घोल है उसके अंदर पाए जाने वाले जो एच प्लस आयन उसके व्युत्क्रम जो लघु गुणांक है उनकी संख्या या उसके अनुपात को क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं। पीएच की खोज डेनिस के सोरेनसन ने की थी 1909 में की थी। और क्या दिया हुआ पीएच के बारे में, आपके जो नोट्स है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। पीएच स्केल आपने देखा होगा या पीएच मीटर जो आता है उसमें 0 से 7 तक 14 तक की वो आती है, संख्या आती है। 7 पे बिल्कुल क्या होता है, उदासीन होता है बीच में। और एक और चीज़, शुद्ध जल का जो लगभग पीएच होता है वो उदासीन होता है, ना खट्टा होता है ना खारा होता है, ना एसिड होता है ना ही क्षारीय होता है, अम्लीय और क्षारीय दोनों में से नहीं होता, उदासीन होता है। जो शुद्ध जल होता है लगभग 7 पीएच होता है उसका, तो 7 से नीचे जाएंगे तो अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। ये पीएच स्केल है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पे उदासीन, ये 8 9 10 11 12 13 14 तक है, तो इधर आएंगे तो अम्लीय, इधर जाएंगे तो क्षारीय, बीच में उदासीन। तो शुद्ध जल का पीएच लगभग उदासीन के बराबर होता है। ये पीएच के बारे में दे दिया है, और देखता हूँ क्या दिया हुआ है। इतना मेरे हिसाब से बहुत रहेगा क्योंकि शब्द पूछते हैं या जो आपके न्यू टाइप आता है उसमें इसमें से सीधा क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं बफर विलयन की लास्ट, फिर आपके ये टॉपिक कंप्लीट। BUFFER बफर सॉल्यूशन या विलयन, बफर विलयन क्या होता है, ए सॉल्यूशन विच रेजिस्टेंस, ए सॉल्यूशन विच रेजिस्टेंस चेंज इन पीएच व्हेन एसिड टू अल्काइली इज ऐड इट। सीधा सीधा आ रहा है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। बफर विलयन को उभय प्रतिरोधन भी बोलते हैं, उभय प्रतिरोध, प्रतिरोध या प्रतिरोधन विलयन। सीधा समझना, ये कोई विलयन है, ये कोई सॉल्यूशन है जिसका पीएच है 7, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा अम्ल डाल रहा हूँ, थोड़ा सा एसिड डालूँ तो भी इसका पीएच चेंज ना हो, 7 का 7 ही रहे, और थोड़ा सा इसमें एल्काइल डालूँ, क्षार डालूँ तो भी इसका पीएच चेंज ना हो, 7 का 7 ही रहे, तो ये विलयन क्या कहलाएगा, बफर विलयन कहलाएगा, या उभय प्रतिरोधन या बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऐसा विलयन जिसके अंदर आप कुछ मात्रा में अगर कुछ भी डाल रहे हो बाहर से, ठीक है, अम्ल या क्षार डालते हैं, अम्ल या क्षार, भाई देखो पीएच बीच में है, उदासीन है उसका, या तो हम अम्ल डाल सकते हैं कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए क्षार डाल सकते हैं, तो हम उसमें कुछ भी डाल रहे हैं, अम्ल या क्षार डालते हैं और वह उस पीएच का प्रतिरोध करता है कि मैं चेंज नहीं होने दूंगा, कुछ देर तक रेजिस्टेंस रखता है, रुकता है कुछ देर तक उसी पीएच पे, बदलने नहीं देता आराम से, तो उसको क्या बोलते हैं, बफर विलयन। अब ऐसे तो है नहीं बदलेगा ही नहीं, मेरे पास 1 लीटर ग्लूकोन डी है, इसका घोल है ग्लूकोन डी का, इसका पीएच है 6.8। अब मैंने इसमें थोड़ा सा 2 ग्राम डाल दिया, मैंने कुछ भी अम्ल डाल दिया, इसका पीएच कम ज़्यादा नहीं हुआ, फिर मैंने 3 ग्राम डाल दिया फिर भी नहीं हुआ, चलो ठीक है, फिर मैंने इसमें 5 ग्राम डाल दिया तो कुछ मात्रा में उसका हुआ, पर स्टार्टिंग में नहीं हुआ, ये उसका विरोध कर रहा है, उसका प्रतिरोध कर रहा है, रेजिस्टेंस है उसके प्रति, तो उसको बोलते हैं बफर विलयन बोलते हैं। दोबारा से एक बार मैं डेफिनेशन दे देता हूँ आपको, ए सॉल्यूशन विच रेजिस्टेंस चेंज इन पीएच, मतलब चेंज इन पीएच का सीधा सीधा मतलब है पीएच पीएच परिवर्तन में प्रतिरोध उत्पन्न करता है, पीएच के परिवर्तन में कोई भी चीज़ है कुछ भी उसमें डाल रहे हो तो उसका पीएच ना बदले, इसके लिए वो प्रतिरोध करता है, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, बफर विलयन बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन, यदि कोई विलयन अम्ल या क्षार मिलाने पर भी अपने पीएच परिवर्तन में विरोध करता है तो उसे बफर विलयन कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, बफर विलयन कहते हैं। तो ये आज की आपकी क्लास कंप्लीट होती है, तो आई होप समझ में आएगा, मैंने कोशिश की है, बाकी लाइट वगैरह न होने की वजह से थोड़ा मैंने जल्दीबाजी में किया है, तो हो सकता है कुछ मात्रा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो नहीं समझा पाया ठीक से, मेरे को लग रहा है ऐसा, फिर भी मैं कोशिश किया हूँ कि ये जो टॉपिक है फर्स्ट वो आपका यहीं पर क्लियर रहे। तो जिन जिन भाइयों का टॉपिक फर्स्ट क्लियर हो गया है वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना टॉपिक फर्स्ट क्लियर, और जिन्होंने प्रीवियस ईयर का पेपर देख लिया है वो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके प्रीवियस ईयर का पेपर देखना, लिंक दिया हुआ है, या प्लेलिस्ट चेक करना, या फिर सिलेबस जिसने नहीं देखा वो सिलेबस देखना पहले, कहीं से भी पढ़ना, सेल्फ नोट्स पढ़ना, पीडीएफ पढ़ना, पर सिलेबस देख लेना, सिलेबस भी नीचे डाला हुआ है पहले कल इससे वीडियो। बाकी फॉरेस्ट्री बायोकेमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश की कंटिन्यूस क्लासें मिलती रहेगी, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, साथ में जितने भी क्लासमेट है सबको शेयर करोगे, ओके।